चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का एक नया टॉपिक जो इंटीग्रेशन का है, जो कि एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, समय वेस्ट ना करते हुए ये मान लीजिए कभी आपके पास ऐसे सेंटेंस आते हैं, ऐसे कि एक्स ई की पावर एक्स, और इसका कहा कि चलिए डिफरेंशिएट करिए, सॉरी इंटीग्रेशन करिए, हिंदी बोलते हैं समाकलन करिए। तो ये कैसे करने आता है, देखिए थे रूल है कि जब इनटू में आता है इंटीग्रेशन तब पहले वाले को आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स इंटीग्रेस ई की पावर एक्स माइनस, फिर से लगाएंगे हम डी अपॉन डी एक्स और ई की पावर डी पावर एक्स, फिर से इसी को लिखेंगे हम एक्स और ई की पावर डी। आप जानते हो फॉर्मूले से आपसे क्या होता है, ऐसे क्या होता है यहाँ पर एक्स और ई की पावर, ऐसा फॉर्मूला जो होता है ई की पावर एक्स ही होता है माइनस इंटीग्रेशन यहाँ लगा दिया। एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे समाकल अवकलन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स का होता है वन इंटू उसका क्या हो जाएगा हमारा ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स ई की पावर एक्स माइनस फॉर्मूला क्या होता है इसका, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। वन का मतलब नहीं है, मतलब ई की पावर एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस करेंगे हम तो ई की पावर एक्स ही आएगा। ई की पावर एक्स पर कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पर एक्स माइनस वन प्लस सी। तो ऐसे क्वेश्चन हम दो तीन का करवा के दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए